शराब घोटाला मामले में ईडी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करना चाहती है। जांच एजेंसी केजरीवाल को अब तक 9 समन भेज चुकी है, लेकिन सीएम ईडी के सामने पेश नहीं हुए हैं। केजरीवाल ने ईडी के समन को अवैध बताते हुए हाईकोर्ट में चुनौती दी है। केजरीवाल की याचिका पर बुधवार को अदालत में सुनवाई हुई, हालांकि कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं मिली। अदालत ने केजरीवाल से कहा कि आप ईडी के सामने पेश होंगे, तभी आपको पता चलेगा कि आपके गवाह के तौर पर बुलाया जा रहा है या आरोपी के तौर पर। मामले की अगली सुनवाई 22 अप्रैल को होगी। कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की ओर से वकील अभिषेक मनु सिंघवी दलील देने आए। दिल्ली हाईकोर्ट ने पूछा कि आप समन पर पेश क्यों नहीं हुए। केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि इस मामले में 9 समन जारी हुए, सभी पर हमने जवाब दाखिल किया। हमने कहा है कि हम वर्चुअली जवाब देने के लिए तैयार हैं। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि पेश होने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ प्रोटेक्शन चाहिए। अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट से ईडी को समन जारी करने की मांग की। सिंघवी ने कहा कि हमने सभी जवाब भेजे हैं। उन्होंने एजेंसी से पूछा कि उन्हें गवाह के तौर पर बुलाया जा रहा है या आरोपी के तौर पर। इस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि जब आप पेश होंगे तभी आपको पता चलेगा। अदालत ने अरविंद केजरीवाल से पूछा कि आपको ईडी के सामने पेश होने से क्या रोक रहा है। वो आपको पहली बार पेश होने पर गिरफ्तार नहीं करेंगे, वो कारण बताएंगे, उसके बाद ही गिरफ्तार करते हैं। हमने कई मामले देखे हैं। हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल की अर्जी पर कोर्ट की प्रारंभिक सुनवाई से स्पष्ट है कि ईडी के सभी समन वैध थे।